नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। दोस्तों आज हम सीखेंगे राग यमन, छोटा ख्याल, पिया की नजरिया, जादू भरी। राग यमन के फर्स्ट वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि राग यमन थाट कल्याण से है, जिसमें हम माँ तीव्र का यूज करते हैं, और इसका आरोह अवरोह पकड़ के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फटाफट मैं आपको आरोह अवरोह और पकड़ रिवाइज करके और फिर हम सीखते हैं पिया की नजरिया का नोटेशन। नी रे गा पकड़, नी रे गा मा रे गा पा रे सा। अब हम सीखते हैं पिया की नजरिया, छोटा ख्याल। राग यमन तीन ताल में ये है, तो सबसे पहले हम इसका जो अस्थाई और अंतरा है उसके नोटेशंस को समझते हैं कि किस प्रकार से ये गाया जाएगा, किस प्रकार से बजेगा, और फिर उसके बाद में हम इसको तीन ताल के अंदर हम गाते हैं और इसका जो तान आलाप है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें सबसे पहले इसका जो ये नोटेशन है इसको समझना और सही तरीके से बजाना वो इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू में देखें, यहाँ से नी से चालू हो रहा है। पिया की नजरिया जादू भरी, पहली लाइन। दूसरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, फिर वही, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। अंतरा, कवन जतन अब करिए आली, नाही परे मोहे चैल एक घरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया। तो हम इसको, अब ये नोटेशन आपके सामने है, आप चाहें तो उतार लें इसको, नहीं तो देखें, हम धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हारमोनियम पर हम किस प्रकार से प्ले करेंगे। पिया नी पा पिया की रेगा, नी पा रेगा पिया की नजरिया, सागा रेगा जादू भरी, मागा मा पापा। वापस देखिए, नी पारेगा सागरेगा मागा मा पापा, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी। नेक्स्ट लाइन, मोह लियो मन मोह पापा, लियो पामा मोह लियो मन गागा, मोह लियो मन मोह लियो मन, फिर
प्रेम भरी नी रे गा मा पा रे गा रे नी रे सा। प्रेम में क्या है, नी रे गा मा पा, नी रे गा मा पा रे गा रे नी रे सा भरी नी रे सा। प्रेम में नी रे गा मा पा रे गा रे, ये प्रेम है। नी रे गा मा पा रे गा रे प्रेम भरी नी रे सा भरी। दोनों लाइनों को रिपीट कर रहा हूं स्लोली। पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहनियो मन प्रेम भरी, मोहनियो मन प्रेम भरी, पिया के नजरिया। अंतरा कवन जतन अब करिए आली, इसमें जो कवन जतन अब करिए आली, तो लास्ट में जो आली है वो नी धा पा भी हो सकता है, नी मा पा भी हो सकता है, नी धा पा या नी मा धा, जो भी करना है आप कर सकते हैं। कवन जतन अब करिए आली आली, नी नी मा पा नी मा पा, और ऐसा भी आली आ आली आली आली, तो ये अच्छा लगता है आली नी मा पा। कवन जतन, कवन में है पापा सा, कवन जतन सासा जतन अब सासा, जतन में सासा अब में सा। कवन जतन अब करिए निशानीदा, करिए निशानीदा करिए आली नी मापा आली, नाही पामगा नाही परे पामगा परे, मोहे पामगा परे सासा, नीरे गामा पा नीरे गामा पा चेल एक घरी, चेल एक घरी। तो जैसे अस्थाई के अंदर था ना प्रेम भरी, वैसे ये है चेल एक घर एक घरी एक घरी, ठीक है। चेल एक घरी, तो प्रेम भरी चेल एक घरी एक ही बात है, ठीक है। यानी दोनों का जो पैटर्न है वो नोटेशन का सेम है, बस थोड़ा सा उसमें जो निरेगामा पा तक निरेगामा पा और फिर उसके बाद में रे गा रे था वो प्रेम के अंदर शामिल था, इसमें निरेगामा पा तक चैल है और फिर रे गा रे में इक कर दिया और घरी है उसमें निरेसा है, सेम है। तो वापस मैं पूरे को रिपीट करता हूँ, आप समझ लीजिएगा। कवन जतन अब करिए आली, नाही परे मोहे चैल एक घरी, पिया की नजरिया जादू भरी, पिया की नजरिया जादू भरी, मोहनियो मन प्रेम
तो दोस्तों आप इसको नोटेशन के हिसाब से तैयार करिए और जो जिस प्रकार से है गाया है उस चीज़ को आप तैयार करिए, फिर उसके बाद में आप इसको जब ताल के साथ गाएंगे और जब हम इसमें इसके साथ में आलाप और तान जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तब तक आप इस नोटेशन को बिल्कुल आप तैयार करिए, एक एक मतलब कि जो अक्षर है उस पर जो जो सुर लग रहा है उसको बिल्कुल रटना है सेम टू सेम। बाद में आप चाहें तो थोड़ा अच्छा लगने के लिए वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बात करूं, मैंने कहा कि नी पा पिया, तो मैं नी पा कर रहा हूं, मैं नी धापा भी कर सकते हैं, पिया पिया के नजरिया जादू भरी, पिया के नजरिया जादू भरी, इस प्रकार से मैं कर सकता हूं।